नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आकांक्षा दुबे मामले में जल्द ही नार्को टेस्ट की बात सामने आ सकती है। दरअसल नार्को टेस्ट की मांग यहां पर आकांक्षा की फैमिली की वकील ने किया है। आकांक्षा की फैमिली के वकील शशांक शेखर सिंह ने यहां पर योगी आदित्यनाथ से नार्को टेस्ट की मांग की है और साफ तौर पर पत्र में लिखा है कि होटल के स्टाफ, होटल के मालिकों का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। दरअसल ये बात निकल कर इसलिए सामने आ रही है क्योंकि होटल के मालिक कुछ ना कुछ ऐसे राज जरूर है जो छिपा रहे हैं, होटल का स्टाफ छिपा रहा है, इसलिए यहाँ पर नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। साथ ही वकील ने अपने मांग पत्र में कुछ अन्य बातें भी लिखी हैं, जिसमें सीबीआई जांच की मांग है तो साथ ही सबूतों के सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि यह होटल स्टाफ और होटल के मालिक का जब बयान दर्ज किया गया था तभी होटल के स्टाफ ने कहा था कि जिस वक्त आकांक्षा दुबे पार्टी से निकल करके होटल की ओर आ रही थी, होटल में उन्हें शराब के कारण लड़खड़ाता हुआ देखा गया है। लेकिन होटल का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। इस वायरल फुटेज में आकांक्षा दुबे को एकदम से सामान्य देखा जा रहा है, यानी कि ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि आकांक्षा दुबे ने शराब का सेवन किया है और वो लड़खड़ाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि लगातार होटल के स्टाफ पर शक जताया जा रहा है। इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आकांक्षा का रूम मास्टर की से खोला जा रहा है, वो भी पुलिस की गैर मौजूदगी में। यही वजह है कि नार्को टेस्ट की बार बार वकील मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या इस पूरे मामले में अब नार्को टेस्ट का सहारा लिया जाएगा वकील के कहने पर, या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।